टायर होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, एक बैटल में ये भी यहाँ पे पढ़ते हुए जहाँ पे ब्लाइंड के मान्या को ही सबसे पहले टेक डाउन किया जा चुका है। हर्ष की बात करें तो बच्चे हुए खिलाड़ी आ भी रहे, वो लूप रहे बड़ी सी ओमेगा स्प्रे कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वो कंट्रोल देखने को मिल रहा था, एक कंट्रोल के साथ स्प्रे था, लेकिन आखिरकार रॉनी ने वहाँ पे इस बात का अच्छे तरीके से फायदा उठाया। नियो भी वहाँ पे टेक डाउन कर दिए गए। हेक्टर और अक्षत केवल दो खिलाड़ी टीम सोल की तरफ से। क्या यहाँ पे वक्त रहेगा वो बैकअप? जी हाँ, पहुंच तो गया है कि आप बिल्कुल से मिस आउट नहीं करना चाहोगे तो अभी के अभी जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। बट इसके बीच कमला बॉय क्या टेक डाउन कर पाएंगे? जी हाँ, ओमेगा को वहाँ पे डाउन किया गया, लेकिन कवर फायर देखिए क्या कमाल का यहाँ पे मिला। लेकिन उसका उनके एचपी है, शायद से एक रिवाइवल बन सकता है। बट हैक्टर की तरफ से कुछ नेड्स किए जा रहे हैं, ग्रेनेड के थ्रू वो करना चाहते हैं वहां पे जो प्लेयर्स को भी रिवाइवल देना, जो दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं लग रही है। लेकिन कमला बॉय का जो नॉक था वो कंफर्मेशन किया जाएगा और वहीं पे दोनों प्लेयर्स एक साथ चार्जिंग करेंगे। सामने की तरफ रॉय देखने को मिल जाएगा, अक्षत कार में डीपीएस आपको देखने को मिले और इनके हाथ में झटकी डीपीएस होती है। फिर सामने भले कोई भी वेपन हो नहीं चलेगी, लेकिन चलिए नियो का वो फाइनली कनेक्शन ले देगी, कहां कहां पर प्लेयर्स होल्ड करे, लेकिन हैक्टर के बहुत ज्यादा करीब रहेंगे। हैक्टर को डीपीएस लेनी पड़ेगी और जैसे ही उन्होंने डीपीएस ली, एक शॉट कनेक्शन मिलेगा उनको और प्लेयर को डाउन किया जाएगा। इवन शायद फंस सकते हैं यहाँ पे क्योंकि उनके पास टीम का बैकअप अभी आना बाकी है, तो टीम का बैकअप भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन टीम जो जहाँ पे गई है वहाँ पे वो फंसे हुए देखने को मिले, प्लेयर को डाउन कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड रिकॉर्ड प्ले करते हुए वहाँ पे जहाँ पे हैक्टर की व्हीकल ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है और चलिए हैक्टर को भी डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो पहले ब्लास्ट किया था व्हीकल उसके पीछे नियो अक्षत को रिवाइवल ध्यान से कि वो डायरेक्टली जाकर पुश कर दे और टीम सोल को यहां से बाहर करने का मौका उनके पास रहेगा। लेकिन सामने तरफ आपको प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, सवितार आगे तो गए हैं लेकिन क्या वो अपने डीपीएस के साथ दो प्लेयर्स को डाउन कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। चलिए अक्षत के ऊपर कनेक्शन मिलेगा, नियो सामने तरफ है, क्या नियो को डाउन करेगी? जी नहीं, नियो यहां पे डाउन करेंगे सवितार को और फिर से अगेन देखने को मिल जाए अक्षत फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हुए देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन गिल रुकते हुए नजर आ जाएंगे, थोड़ी देर गिल रुकेंगे लेकिन उससे पहले एक मोलोटोव की जाएगी, लेकिन उससे पहले कनेक्शन इनके ऊपर बन जाएगा। मौली भी गई है, कनेक्शन भी बनाए, क्या यहाँ पर टीम सोल किसी प्लेयर को मार कर पाएगी ये देखना पड़ेगा। नियो सामने की तरफ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल में जो शिफ्ट भी आएगा वो एक सदन शिफ्ट हमें देखने को मिल चुका है, जिसके कारण अभी कहीं ना कहीं टीम गॉडलाइक को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ टीम सोल वर्सेस न्यूमैन का भी फाइट चल रहा है, जहां पे टीम सोल जरूर से कुछ अच्छे पिक निकालने की कोशिश में। न्यूमैन की बात की जाए तो यहाँ पे अभी डाउन है, क्लच के सामने आ जाएगा वो ग्रेनेड और क्लच गॉड इन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे इस पावर कनेक्शन बनाने का, रेगल टॉस भी अपने व्हीकल से थोड़ा अलग हटके खेलने की कोशिश रहेगी या फिर क्या वो जरूर से हम पता करेंगे। बट मैडमैन की बात की जाए उनका ग्रेनेड यहाँ पे जीगॉड को कनेक्शन में लाया, नॉक भी करेंगे समाप्त भी करेंगे। एडमिट का पुश आ जाएगा यहाँ पे, सर्कल में ऑलरेडी थे बट सर्कल के बिल्कुल कॉर्नर पे आके क्लियर करना चाह रहे हैं यहाँ पे टीम गॉडलाइक को, लेकिन उसमें कामयाबी आखिर में देखते हैं किन्हें प्राप्त होने वाली है। समाप्त तो आई थिंक यहाँ पे करें, लेकिन रैम्पेज मोड में भी गॉडलाइक अगर 8 बिट का एक भी प्लेयर डाउन होता तो शायद से पुश आ सकता है। बट वहां पे आप देखिए एक इकलौता प्लेयर है लेकिन वो बगी लेके घूम रहा है इतने मैदान के अंदर, 8 बिट के दोनों प्लेयर्स को भी ये परेशान करके रखा है उस खिलाड़ी ने। लेकिन सामने की तरफ स्किप्स को भी देख लिया हो जाएगा, अनुष्टोप भी उनको वैसे बाहर किया जाएगा। सामने स्किप्स डाउन करने की ट्राई, ड्रैगन टॉस स्प्रे तो करते हैं लेकिन वो जो कनेक्शन है